तो स्कैन सब कुछ ठीक आया तो जाऊंगी, नहीं तो फिर फ्लाइट आगे होगी। कल दी मेरी फ्लाइट बुक सी, कल दी ये वाली ली है, ये पिंक। बहुत ज्यादा नहीं लानी, गल्ला लाल नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम जी वीरन वीरनियों, की हाल है, तुसी ठीक हो? आप देख रहे हैं मुझे किचन में पुदीना और धनिया काटते हुए, वधिया सा। ये एक्चुअली मेरी बेटी के काम से आ जाना था, उसके कोलीग्स ने, जिनके लिए ये खाना बन रहा है। ये रेसिपीज़ मेरी पहले की बनी हुई हैं, लेकिन मेन्यू सारा यही था। मैं कहा चलो मेरा कम बचा, मैं सारियाँ तेरे नाल शेयर कर दिनी हाँ, ताकि तुहानू पता चले कि असी की बनाया सी। यहाँ बन रही है फ्रूट चाट, चने लेके उसमें प्याज टमाटर और धनिया पुदीना इस तरह से हमने काट के सारा डाल देना है। फिर हमने ये हरा मसाला बॉल में डालना है पहले। फिर मैंने मिक्स फ्रूट जो है वो भी काटा हुआ, इसके ऊपर हमने डाला दही और ऊपर हमने डाला चाट मसाला, स्वीट एंड सावर चिली सॉस, इमली की चटनी और ये फ्रूट इसके ऊपर डाल देना है। फिर एक चनों की तह लगानी है, फिर वही सॉसें सूसें डोल देनी है उसके ऊपर, और वधिया सा जो है ना वो हमारा बन जाएगा, चाट का चाट बन जाएगी वधिया जी। इसको बना के और पापड़ी शापड़ी डाल के मैंने इसको रख दिया। और यहाँ पे जी तैयारी हो रही है निहारी की। निहारी के आप मसाले देख लें, होममेड सारा कुछ था इसमें। जावित्री गई है, इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, खताई बादियान का फूल और वड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सौंफ और ये एक टेबल स्पून चिली पाउडर का। ये एक पूरी लेग थी जिसकी मैंने ये बनाई थी। और ये देखें जी नमक इस तरह से, ये भी सब कुछ पा के इन्हों मैं कर लेना सी ग्राइंड और इनका बनाना है मसाला। बस जी कभी कभार बच्चों के भी कोलीग्स जो हैं उनको अच्छा लगता है पाकिस्तानी खाना, तो मैं कह चलो जड़ियाँ साड़ियाँ स्पेशलिटीज़ ने वही बनाइए। तो यहाँ पर जी तैयारी हो रही है, कितनी तैयारी होंगी पई इतने, प्याज मैंने ब्राउन किए हैं और इसमें हमने डाला है जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक और प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से तड़फा लेना है और इसमें फिर हमने डाल देने हैं ये देखें लैम के लेग के पीसेस। ये जी निहारी बन रही है यहाँ पर और सारे इस तरह से हमने डाल के अच्छी तरह से हमने इनको भून लेना है कि इनका कलर ब्राउन हो जाए। इनू चंगी तरह असी भुनना, इन्ना भुनना है कि बस ये भी वट शट निकल जाने सारे। बस ये जो मसाला हमने बनाया हुआ था वो हम इसमें डाल के फिर इसको फिर भुनेंगे। मैं कहनी हाँ जिंदगी तो सारी चीज़ा भुनन च लंघ जाती है, हांडी भुनन च लंघ जाती है। और बस जी पानी डालें इसमें और इसको हमने पकने के लिए रख देना है साइड पर। और ये देखें बस पानी खुला पा के तो बस भुल जाओ, हल्की आग पर रख दो। इसके ऊपर देखें ऑयल भी मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, साइड पे रख लिया था। देखें कितना ज़बरदस्त ये गली। अच्छा जी इतने असी डेढ़ कप आटा जड़ा है उन्होंने चंगी तरह भुन के पानी पा के इस तरह इसकी बनाने ली है आपने लेवी। और फिर इसको आपने होले हाथों से, पोले पोले हाथों से आपने इसमें करना है मिक्स। डोई तुसी चलाई जानी है, नहीं तो ये बन जाने जो पेड़े तो रोटियां ये ही पक जाने निहारी दे। यहाँ पर जी मैं रखने लगी हूँ यखनी का मसाला। लैम हमने डाला, ये एक शोल्डर था, इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, वड़ी इलायची, छोटी इलायची, कालियाँ मिर्चा, लौंग, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो आपके हाथ में आए इसमें डाल के बस आप इसको चला दें, यखनी को आप बनने दें। यहाँ पर जी तैयारी होने लगी है आलू चिकन की। आपने बस ऑयल डोलना है, खड़े मसाले थोड़े से डालने हैं, प्याज डालना है, प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। बस जी फिर आपने जिंजर गार्लिक बस उत्ते दे दियो ढकना के मसाला जरा ना सोना जहा बन जाए। ये वेख लो नमक, मिर्च, हल्दी, सुक्का धनिया, जीरा और काली मिर्चें उनको डाल के और चार टमाटरों की पेस्ट बनी हुई थी वो डाल के इसको अच्छी तरह से बुने। मसाला जिड्डा सोना होएगा ना, चिकन उड़ गई मज़ेदार होएगी। किसी भी चीज़ की जी बेस है ना वो बड़ी जरूरी है, जे उत्थे नहीं ना काम किया तो बस समझो इमारत कभी डिंगी तो कभी सीधी। चिकन कच्ची पक्की और इसमें से स्मेल आएगी। जब तक आप उसको अच्छी तरह भूनेंगे नहीं, फिर उसमें आलू डाल के उनको भी अच्छी तरह भूने
उबालियाँ मारता हुआ पानी डालें इसमें, तो मैं कहनी हूँ मसाला तो हर शह रल मिल जाएगी, इसको बस पकने दें अच्छी तरह से, आलू गल जाएं, धनिया हरी मिर्चें सूखी मेथी गर्म मसाला डाल के रखें साइड पे और देखें क्या वधिया जो है खाना बना। तो जी आगे चलते हैं, अब हम यखनी हमारी तैयार हो चुकी थी, यहाँ पर है गरम मसाला, बिरयानी मसाला सॉरी चिकन पुलाव मसाला है थोड़ा सा, और वो है चलो खैर इतने सारा कुछ काढ़ लिए ना, पहला असी यखनी का हमने सारा चिकन जो है वो निकाल लिया, ये देखें सारी यखनी तुसी छान लेनी है, एक कप पी भी लिया करो जिले यखनी बनती हूँ जिते कभी इन्ना तरद असी करीदा नहीं। और ये देखें जी यहाँ पर हमने प्याज़ों को तड़फा लेना है ऑयल में डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बस उसका रंग निकला है सोना सा, चम्मच उसमें फेरें, यखनी निकला हुआ लैम इसमें डाल दें, इसको अच्छी तरह से भुने, और अब जो है ना इसको इस हमने इसमें डालना है पुलाव मसाला, गरम मसाला, क्रश चिलीज़ और नमक थोड़ा सा, और ये जी हरी मिर्चें, अदरक और टमाटर, इनू पा के चंगी तरह भुन लवो। मैं कहती हूँ ये पुलाव इतना ज़बरदस्त बनता है कि ताड़ी सोच है। यखनी इसमें डोल के टकना ऊपर दे के बस इसको पकने दें। यहाँ पर बन रहा है जी पास्ते वाला सैलड, जिसमें बंद गोभी, और मैं पहले भी बहुत दफ़ा बनाया है पास्ता, बंद गोभी, एप्पल, गाजरें, ये सब आप इसमें डाल दें, एक लेमन निचोड़ के, काली मिर्चें डालें, मेयोनीज़ इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है पुलाव नाल रोस्ट नाल, ऐ बड़ा ही वधिया लगता जे। तो बस जी सारा हमने इस तरह से एक सोने से बर्तन में निकाल के, इसके ऊपर मेरे पास ये हैं अनार, ये मैंने डाले, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट डाले, ऐ बस ताड़ी अपनियां इनवेंशन होंदियां ने सोहनिया जीयां, वो कर लिया करें। इत्थे जी साडा पानी उबलन लग पिया सी चावलों का, और हमने इसमें डाल दिए चावल, ये कोई चार कप चावल थे, एक शोल्डर था, लेमन निचोड़ा इसमें, पानी मैंने कोई सात कप इसमें पानी डाला है। आप देखें इस तरह से जब हो इसको पकने दें थोड़ा सा, जब इस तरह से हो, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हो तो आग मीडियम, और मीडियम से फिर आप लो करेंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त इसको दम लगेगा। लो जी साड़ी निहारी भी पक पक के बड़ी वधिया हो गई सी तैयार, ये देखें, और इसको अब हम डिश आउट कर रहे थे अपनी डिशेस को, इसके ऊपर डाला हमने धनिया, साड़ा आलू गोश्त भी बड़ा वधिया तैयार, और हमारे बड़े चावल भी वधिया। मेरी बेटी यहाँ पर स्पूनस वगैरह सब निकाल रही थी ताकि खाना सर्व करें, सब ने खाया और बड़ा ही इंजॉय किया, वो कहते ने पाकिस्तानी फूड इज़ बेस्ट फूड, तो बस यही मैं सुनना चाहती था। तो बस जी खाना ये देखें लग गया, आगे चलते हैं अगले व्लॉग की तरफ, देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? हम आए हैं टाउन, पाकिस्तान जाना है, और अब्बू के लिए कुछ चीज़ें चाहिए मुझे उनके पेट के लिए, बस वो लेने आई हूँ, और अल्लाह करे मेरी अपनी तबीयत भी ठीक हो तो मैं फिर जा सकूँ अपने प्लान के मुताबिक, नहीं तो डिले करना पड़ेगा, और अब्बू बेचारे तुहानू पता ही है कितना इंतज़ार करते पे ने। इधर आई हूँ जी हॉलैंड एंड बैरेट की शॉप में, यहाँ अब्बू के लिए मैंने कुछ लेनी है चीज़ें, और ये मैंने सुना कि टर्मरिक बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, असी तो कभी सोचा ही नहीं, पर ये भी लेती हूँ मैं अपने लिए अब। तो इधर से देखते हैं क्या है अच्छा अब्बू के लिए, मैं इसको पूछूं। ये है जी गट हेल्थ के लिए चीज़ें अच्छी, जल, ये जल कौन सी है, ये फाइबर जल लिए हमने यहाँ से, इधर से ये वाली ली है, इधर से स्टीविया देखेंगे किधर है, so feel this in your heart with the Holy Spirit and when you go home you feel peace। अब जा रहे हैं हम वापस, ये मैंने ड्रेस लिया है, ये देखें मार्क से बड़ा अच्छा मुझे लगा, घर जाके देखनी है हुण किंजदा लगदा, बाहर देखें बादल देखो, और बस कुछ शॉपिंग की थोड़ी बहुत पाकिस्तान की, अभी कल मेरी अपॉइंटमेंट है, पता नहीं देखें अगर तो स्कैन सब कुछ ठीक आया तो जाऊंगी, नहीं तो फिर फ्लाइट आगे होगी, और बस
दुआ ही करे। हां जी मैं क्या बस मैं अपना जरा चेकअप करा लवा टेस्ट करा लवा फिर मैं इंशाल्लाह सत्तवें दिन ताडे कोल होवांगी नहीं ते मैं कल आ जाना सी। चलो अल्लाह खैर दा वक्त ले आवे। कल दी मेरी फ्लाइट बुक सी कल दी। कल ओ हुण चेंज करावांगी जां अपना चेकअप करा के फिर इंशाल्लाह आर नु ताडे कोल। हां यहाँ पर जी मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे थे स्विंडन। जैसे कि आपको पता है मेरा पाकिस्तान का प्लान है तो मैंने कहा जाके मैं थोड़ी सी चीज़ें अपने लिए भी ले आऊं और थोड़ी सी वैसे भी चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी। तो जी यहाँ हम पहुँचे। फर्नीचर बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर, चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। जॉन लुइस की जो है वो यहाँ पर पड़ी हैं चीज़ें। सोफे बड़े अच्छे हैं तो बस उनको ही देख रहे थे। ये पसंद आ गया यहाँ पर बेडरूम के लिए, अच्छा लग रहा है ये वाला। ये देखें कितनी क्यूट है ये वाली अलमारी, जो छोटे छोटे से घर हो ना उनमें बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसे किचन में। ये वाली साथ वो वाली, ये भी अच्छा है। चूँकि अब लड़कों के पता नहीं है क्या नहीं है। ये शर्ट देखो कितनी अच्छी, छोटा स्वेटर, हाँ ये भी अच्छा है। हाँ नीचे कोई और पहनने के लिए। ये हैंडबैग मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसकी बड़ी पूरा खुल जाता है, इसके ऊपर भी एक जिप थी और ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर शॉप थी। यहाँ के बैग्स बड़े ही नाइस थे और यहाँ से कुछ चीज़ें देखी फिर सानू भुख लग गई और इन्ना क्यूसी बार असी इत्थे लिया जूस। हम आए थे वागा मामा, जूस लिया यहाँ पे और ये फायर ये प्रॉन क्रैकर इन्ने मैनू चंगे लगते ने तुहानू मैं की दसा, बहुत ही टेस्टी हैं। बड़िया मर्चा शर्चा पाई होंगे हैं है? हम तो कहो कि हाँ ता ही तुम्हारी तबीयत खराब होंगी। ये लेने दिस ड्रॉप ऑफ लाइट, ऐसे जी ड्रॉप ऑफ लाइट। और ये इतनी अच्छी बॉडी शॉप की ये प्रोडक्ट है कि आप इसको अपनी स्किन पे लगाएं और आप देखेंगे कि आपको फेशियल की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं उन्होंने पूछा, मैंने कहती है ठहर जा साड़ी इतने को कुड़ी है, बड़ा उन्होंने शौक है वीडियो चाण का कैमरे चाण का, वह वेखो खलोती उन्हें मैं बुलानी हाँ वो आके ना तेनों दसेगी क्या तू किंज यूज़ करना। वनू दसदी पी सी कि भाई यह यूट्यूब पर वे तो तू आ तो तूनू दस। उन्हें क्या अच्छा चल मैं ना तेरे हाथ से ला के विखानी हाँ तो तू वेखी किन्नी जी ना डेड स्किन जी है ना वो उतरेगी तेरे हाथ तो। ये देखिए आपको नजर आ रहा हो इसके ऊपर ये सारी डेड स्किन है। ओके ये देखिए डेड स्किन कितनी उतरी है, ये देखें सारी इसके ऊपर से आपके फेस से भी सारी ऐसे उतरेगी और फेस आपका जबरदस्त हो जाएगा। आहो जी कहती कि बहुत फ्रैश तेरी स्किन लगती पई है, बड़ी अच्छी लगती पई है। मैं क्या आहो मैनू भी पता है बड़ी वधिया लगती पई है। वैसे साढ़े जिहड़े अपने स्टोर ने ना रेडिंग दे उत्थे ए सब डिसकंटिन्यू हो चुकिया ने पर आउटलैट तो उत्थे पईआं सन ते मैं बस दो लईआं। मैनू घर आके मेरी बेटी ने दस्या कि मामा ये तो डिसकंटिन्यू हो चुके। मैं कहा बेड़ा तर गया मैनू पता हुंदा ते मैं ले लैंदी। फिर मैं आई इधर मैं कहा मैनू ना अजकल बड़े चले ने ट्यूब वाले ना ब्लश ऑन जिदे नाल बड़े सोहना ग्लो जी स्किन करती है। मैं क्या मैं वो वाले लैने ने, फिर मैं दसदी पई सी कि डिफरेंट ने जिहड़े तुसी अखां ते भी ला लो लिप्स ते भी ला लो गल्लां ते भी ला लो भी जिहड़े पुराने जमाने च लिपस्टिक नाल सारा मेकअप हो जांदा सी ना बस इन्हां ने उहो जिहियां शैवां कढ दित्तियां ने। हुण ऐ वेखो ऐ दा ना पीची जिहा कलर सी और आ मैनूं बड़ी वधिया लगी। मैं क्या अच्छा चल फिर थोड़ियां जिहियां मैं ट्राई करा इतों फिर मैं दो ट्यूबा ले लैनी मूँह तो लाने वास्ते तो मैं क्या लिया हाँ जरा मैं अपनी गल्ला ला के वेखा है कि तो बहुत ही ना लाल हो जाए। कलर तो जी बड़ा ही वधिया लग्या मैनू बॉडी शॉप शॉप दियाँ चीज़ों में वैसे भी ना इन्ने कैमिकल्स जड़े ने वो नहीं होंगे और ये शेड मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैं उन्हें कहा मैनू ना तू रोज़ शेड नहीं जड़ा कोई वो दे बस जी फिर उ मैनू ट्राई करा पी सी और मैंने दो खरीदे
मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी कि मैंने कौन से दो शेड लिए थे। ओके ये वाली ली है, ये पिंक। बहुत ज़्यादा नहीं लानी है, गल्ला लाल नहीं करनी है। ओके लेट्स गो। ये थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाद में मैं और मेरे हस्बैंड हमने कहा हम चाय पी लें, बस अयान साथ नहीं आया, हम दोनों आए थे और बहुत कम होता है कि हम दोनों निकलें, बच्चे साथ ही होते हैं, कभी कभी जाना चाहिए, इकट्ठे भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। और बड़ा अच्छा लगा, बस इतना ज़्यादा कुछ लिया नहीं, पर चलो साथ थोड़ा फिरा, साथ थोड़ा खाया, साथ थोड़ी चाय पी। और ये बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, जो बातें आप वैसे नहीं ना कर सकते, जो शिकायतें कोई थोड़ी बहुत हों दिल में, तो बड़े प्यार से उनको बता देना चाहिए कि भई ये चीज़ उस वक्त बुरी लगी थी, इहदे नाल मेरा दिल उदों दुख गया सी, तब सामने वाला आपकी बात सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए बात करने का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।